दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि नन्हे से चूहे खूंखार आतंकवादियों के हमलों से बचने में हमारी मदद कर सकते हैं? सही सुना आपने, जो काम इंसान और बड़ी बड़ी सोफेस्टिकेटेड मशीन्स नहीं कर पाई, वो अब इन चूहों के द्वारा किया जाएगा। DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी ऐसे ही रैट्स पर काम कर रही है। इन चूहों को रैट साइबॉर्ग्स कहा जाता है। साइबॉर्ग्स यानी कोई भी ऐसी चीज जो आधी बायोलॉजिकल आधी मशीन हो। इसके फर्स्ट फेज में चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए जाएंगे और ऑपरेटर्स इलेक्ट्रॉनिक कमांड्स देकर चूहों को रिमोट कंट्रोल कर पाएंगे। फेज 2 में रैट्स के ऊपर एक कैमरा भी फिट किया जाएगा, जिससे छोटी से छोटी इनएक्सेसिबल जगहों में जाकर लाइव इमेजेस और वीडियो कैप्चर कर पाए। टिपिकल यूज केस हो सकता है मिलिट्री ऑपरेशंस या टेररिस्ट की अगर लोकेशन जाननी हो, और इंडिया पहला देश नहीं है जिसने ऐसा किया है। USA और चाइना में ऐसे चूहों पर पहले से ही काम चल रहा है। चाइना में तो चूहों को ह्यूमन माइंड से ऑपरेट करने पर भी काम चलने लग रहा है, और दुनिया भर के अलग अलग देश डॉग्स और डॉल्फिन्स जैसे एनिमल्स में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। क्या राय है आपकी इस टेक्नोलॉजी के बारे में? नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए।